पार्ट वन के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप रेजिस्टेंस बैंड से मसल मास गेन करना चाहते हैं तो तीन ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको आज का वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं बताने वाला हूँ आपको और तीन ऐसी टेक्निक्स जो काफ़ी रिसर्च टेक्निक्स हैं और जो आपके वर्कआउट को ले जाएगी नेक्स्ट लेवल पे। विद दैट गाइज लेट गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, वेलकम टू फिटनेस माई लाइफ। गाइज आज जो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ी इंटेंस टेक्निक्स हैं, तो ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए हैं जो पहले वर्कआउट कर चुके हैं, जिन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है वर्कआउट का, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे उनके मसल हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो उस प्लेटू को ब्रेक करने के लिए इन टेक्निक्स को आप अपने वर्कआउट में अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो चौथी टेक्निक है वो है सुपर सेट टेक्निक। सुपर सेट का मतलब है कि आपको दो अलग अलग वर्कआउट करने हैं बैक टू बैक विथ नो रेस्ट और मिनिमम रेस्ट। तो अगर आपने एक वर्कआउट किया उसका आपने एक सेट किया, उसके बाद बिना किसी ब्रेक के आपको दूसरे वर्कआउट पे जाना है उसका आपको एक सेट करना है, फिर आप एक डेढ़ मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर अगेन आप जाएंगे अपने पहले वर्कआउट पे उसका आप सेकंड सेट लेंगे, फिर बिना किसी ब्रेक के आप जाएंगे अपने दूसरे वर्कआउट में उसका आप दूसरा सेट लेंगे, देन अगेन आप रेस्ट लेंगे। इस तरह से आपको अपने वर्कआउट को सुपर सेट करना है। सुपर सेट्स आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एग्निस सुपर सेट, दूसरे होते हैं एंटागनिस सुपर सेट। एग्निस सुपर सेट का मतलब है कि आपको सेम मसल ग्रुप के दो डिफरेंट वर्कआउट करने हैं। तो अगर आपने बाइसेप्स कर्ल्स किया सपोज कीजिए, तो उसके तुरंत बाद आपको करना होगा बाइसेप्स का दूसरा वर्कआउट, चाहे फिर आप हैमर कर्ल करें या प्रीचर कर्ल करें। तो इस तरह से आपको सेम मसल ग्रुप के दो डिफरेंट वर्कआउट को सुपर सेट करना होगा। ये हो गया आपके एग्निस सुपर सेट। एंटागनिस में क्या होता है, आपको दो डिफरेंट मसल ग्रुप जो कि ऑपोजिट मसल ग्रुप है उन्हें आपस में सुपर सेट करना होगा। तो अगर मैं बाइसेप्स कर्ल्स की बात करूं, तो अगर मैंने बाइसेप्स कर्ल्स किया मेरा पहला वर्कआउट, तो उसके ऑपोजिट में कौन सी मसल है हमारी, ट्राइसेप्स। तो आप ट्राइसेप्स का दूसरा वर्कआउट करेंगे, फिर चाहे आप ट्राइसेप एक्सटेंशन करें या ट्राइसेप पुश डाउन करें। तो इस तरह से आपको दो ऑपोजिट मसल ग्रुप को आपस में सुपर सेट करना है। और सुपर सेट के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह कि आपका जो वर्कआउट है वो कम समय में आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको वर्कआउट का कम समय मिलता है तो ये अप्रोच आपके लिए बहुत काम करेगी। और दूसरा इसका बेनिफिट है कि जब आप सुपर सेट करते हैं तो आपकी मसल्स में जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस है वो इंक्रीज होता है, तो जो पंप आपको फील होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेटाबॉलिक स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मसल ग्रोथ के लिए, तो अगर आप सुपर सेट करते हैं तो इस तरह से आप अपने मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि इससे आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इंप्रूव होती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट को बैक टू बैक करते हैं तो वो एक तरह की कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी होती है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आपको हमेशा सुपर सेट नहीं करना है। आप एक महीना या मैक्सिमम दो महीना सुपर सेट करें, फिर आप अपने रेगुलर वर्कआउट में आ जाएं, और फिर आप 6-7 महीने बाद वापस से सुपर सेट टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने वर्कआउट के प्लेटू को ब्रेक कर पाएंगे और मसल ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमारी पांचवी टेक्निक है ड्रॉप सेट्स टेक्निक। ड्रॉप सेट्स का मतलब है कि जब भी आप अपने वर्कआउट के लास्ट सेट पे हो, उस सेट को फिनिश करने के तुरंत बाद बिना किसी ब्रेक के आपको रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करना है, और फिर उस रेजिस्टेंस से आपको मैक्सिमम रिपीटेशंस निकालने हैं। फिर उसको फिनिश करने के तुरंत बाद बिना किसी ब्रेक के आपको रेजिस्टेंस को फिर से थोड़ा कम करना है, और फिर उससे मैक्सिमम रिपीटेशंस निकालने हैं। इस तरह से आपको सबसे कम रेजिस्टेंस तक जाना है और मैक्सिमम रिपीटेशंस निकालने हैं। फिर से अगर मैं बाइसेप्स कर्ल्स की बात करता हूं, तो सपोज कीजिए आपने बाइसेप्स कर्ल्स के 3 सेट किए, तीसरा सेट आपने 50 पाउंड के रेजिस्टेंस बैंड से लिया जिसमें आपने 6-7 रिपीटेशंस निकाले। जैसे ही आप उसको फिनिश करते हैं उसके तुरंत बाद आप क्या करें, 50 की जगह 40 पाउंड का रेजिस्टेंस बैंड लें और उससे आप मैक्सिमम रिपीटेशंस निकालने की कोशिश करें। फिर जैसे उसको फिनिश करते हैं उसके बाद आप 40 की जगह 30 पाउंड का रेजिस्टेंस बैंड लें और फिर उससे मैक्सिमम रिपीटेशंस निकालें। इस तरह से करते करते जो भी आपके पास सबसे लाइट रेजिस्टेंस बैंड है उस तक आपको जाना है और मैक्सिमम रिपीटेशंस निकाल लें। और जब हम लोग इस तरह से रेजिस्टेंस बैंड से ड्रॉप सेट्स परफॉर्म करते हैं तो हमारी मसल ज़्यादा फटीग होती हैं, मसल फाइबर ज़्यादा डैमेज होते हैं, और हमारी मसल्स में मेटाबॉलिक स्ट्रेस इंक्रीज होता है जो हेल्प करता है हमें मसल ग्रोथ में। छठी और आखिरी टेक्निक है हमारी क्लस्टर सेट। क्लस्टर सेट का मतलब है कि जब भी आप कोई वर्कआउट परफॉर्म करें उसके लास्ट सेट को आप मिनी सेट्स में डिवाइड करें। सपोज कीजिए आप बाइसेप्स कर्ल्स के लास्ट सेट में 50 पाउंड का रेजिस्टेंस बैंड ले रहे हैं जिससे आप नॉर्मली 5-6 रिपीटेशन निकाल पाते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, क्लस्टर सेट में जो लास्ट सेट है उसको आपको 3 या 4 मिनी सेट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करें, आप सेम 50 पाउंड का रेजिस्टेंस बैंड लें, लेकिन आप 5-6 की जगह 3 रिपीटेशन निकालें, फिर आप 10 सेकंड का रेस्ट लें, फिर अगेन आप 3 रिपीटेशन निकालने की कोशिश करें, फिर से आप 10 सेकंड का रेस्ट लें, और फिर आप
3 रिपीटेशन निकालने की कोशिश करें। तो इस तरह से अपने लास्ट सेट को डिवाइड करने से क्या होगा, आप उस सेट में ज्यादा रिपीटेशन निकाल पाएंगे विद सेम लोड। तो 50 पाउंड का रेजिस्टेंस बैंड लिया, लेकिन आप यहाँ पे 9 रिपीटेशन निकाल पा रहे हैं, तो आपकी जो ओवरऑल वर्क कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है वर्कआउट का, वो इंक्रीज होगा। और जब वर्कआउट का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मसल ग्रोथ भी स्टिमुलेट होती है। तो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक को मैंने रिसेंटली अपने वर्कआउट में अप्लाई करना शुरू किया और मुझे बहुत डिफरेंस दिख रहा है अपने वर्कआउट में, मसल ग्रोथ में भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आप भी इसे ट्राई करें और बताएं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक दिन में केवल एक मसल ग्रुप ही ट्रेन करते हैं, जैसे कि मंडे को चेस्ट कर रहे हैं, ट्यूसडे को आप बैक कर रहे हैं, फिर आप बाइसेप्स कर रहे हैं, तो इस पैटर्न को आप ना फॉलो करें, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसमें आप पूरे हफ्ते में हर मसल ग्रुप को केवल एक बार ही ट्रेन कर पाते हैं, तो आपकी मसल ऑलरेडी रिकवर हो चुकी होती हैं, बहुत लंबा समय हो जाता है उस वर्कआउट पे वापस से आने पे। तो बेटर ये होगा कि आप कोई ऐसा वर्कआउट प्लान चुनें जिसमें आप हर मसल ग्रुप को एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो। फिर आप चाहे फुल बॉडी वर्कआउट करें या PPL करें या अपर बॉडी लोअर बॉडी वर्कआउट परफॉर्म करें, इनमें से आप कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप ऐसा वर्कआउट प्लान चुने जिसमें आप हर मसल ग्रुप को एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार ट्रेन जरूर कर रहे हो। और अगर आपको पता नहीं कि कौन से प्लान्स आपको फॉलो करने हैं, तो उसको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप उन्हें देखें और अकॉर्डिंगली आप उन्हें वर्कआउट को परफॉर्म करें। That's all for today, guys. I hope you enjoyed today's video. Next video, मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ. Until then, stay tuned and keep watching Fitness My Life.